तो चलिए आइए, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। और आप में से जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके पहले अपने चैनल फन विद फिजिक्स को सब्सक्राइब कर लो यार, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करो आप, ताकि आपके दोस्त भी बड़े ढंग से तैयारी कर पाएं। ठीक है, तो चलो आओ, हमारी जैसे कि आप जानते हैं कि ऑप्टिक्स की सीरीज है, और आज हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के साथ शुरुआत करने वाले हैं। किसके साथ शुरुआत करने वाले हैं? एंगल ऑफ डेविएशन के साथ। तो चलो आओ यार, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए एंगल ऑफ डेविएशन के साथ। चलो भाई सुनो, तो मैंने ऐसा बोला कि मान लो ये कोई अपना ना ऐसे कोई मिरर है। ये क्या है? ऐसे कोई ऐसा मिरर है, ठीक है ना। ये मिरर रखा हुआ है अपना, बढ़िया जानदार सुंदर मिरर। मिरर का तो काम ही है रखे रहना, तो रखा हुआ है। ठीक भाई, तो सुनो क्या बोला गया कि इस मिरर पर ना एक लाइट रे आके ऐसे टकराती है। ठीक है, तो लाइट रे तो नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाते हुए टकराएगी ना। तो ये लो भाई, मैंने बोला कि देखो ये आई लाइट रे ऐसे, और नॉर्मल के साथ इसने इंसिडेंट एंगल आई बनाया। कितना बनाया? आई बनाया। और हम तो जानते हैं कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये रे आई पर अगर आई है तो आई पर ही वापस से गुजर भी जाएगी, है ना। अब नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही होगी ये इस समय? आई ही एंगल बना रही होगी, है ना। पर देखिए जो खास बात है ना एक जानने वाली, वो ये है कि देखो इस रे का जो ओरिजिनल पाथ था ना, ओरिजिनल पाथ जो उसका था वो ये था, है ना। ओरिजिनल पाथ जो उसका था वो कोई ये पाथ था, है ना। और ये अभी अपने पास से भटक चुकी है ना। इसको जाना था ऐसा, पर ये टकराने के बाद गई ऐसा। तो अपने ओरिजिनल पाथ से तो भटक गई ना, जो कि क्या था? ये। और ये अभी किस पाथ पर जा रही है? इस पाथ पर। तो कितना भटकी, है ना। ये इस पाथ को छोड़कर और यहां चल पड़ी, है ना, यहां ये ऐसे चल पड़ी। तो जितना भटक गई इसी को बोला गया डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसी को बोला गया क्या? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर रे जिस पाथ पर चल पड़ी है, तो जितना ये घूम गई इसी को बोला गया एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोला गया? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, पक्की बात है? देखो ध्यान से देखो, तो हम जानते हैं कि तो पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन पर जो सारे के सारे जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जरा ध्यान से देखो, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा डेल्टा प्लस 2i इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको पाई से भी लिखा जा सकता है। तो डेल्टा देखो मैंने क्या पाया, मैंने पाया पाई माइनस 2i। क्या मैंने पाया? पाई माइनस 2i। तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, समझ आया तुमको बेसिक कंसेप्ट, है ना। बेसिक कंसेप्ट तुम समझ पाए ना, कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़कर जिस पाथ पर चलने लगे तो जितना ये घूम गई है इसी को बोला गया एंगल ऑफ डेविएशन। अभी आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। कैसे घूमी है? एंटी क्लॉक। तुम्हारे गांव में ऐसी तो घड़ी नहीं चलती ना, तुम्हारे गांव में ऐसी चलती होगी ना घड़ी, है ना, ऐसी चलती है ना घड़ी। ठीक है ना, तो कितना घूम गई? इतना घूम गई। और कैसे घूमी है ये? इस समय कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज है। इस समय कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। जरूरी नहीं हमेशा रहे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, कैसे भी घूम सकती है, पर इस पर्टिकुलर केस में कैसे घूमी है? एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। पक्की बात है, सोच लो। अच्छा देखो, तुमको एक बढ़िया सा सवाल मैं कराता हूं इसके ऊपर। देखो थोड़ा सा लेवल में शुरू में ही बढ़ाता हूं ताकि तुम लोगों को घबराहट नहीं हो, फिर है ना एग्जाम में घबराहट नहीं हो बिल्कुल भी। मैंने बोला कि चलो मान लो, मैंने बोला कि चलो मान लो ऐसे ना दो मिरर है, ठीक है, ऐसे दो मिरर हैं, ठीक है, और इन मिरर के बीच का जो एंगल है ना, मैं बोल देता हूं चलो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक भाई, कोई बात नहीं, ये दो मिरर हैं, तो पहले मिरर तो बना दूं इनको। ले भाई, अभी मैंने क्या बना दिया इनको? ऐसे मिरर बना दिया जिनका रिफ्लेक्टिंग साइड ना दोनों का अंदर की तरफ है। ठीक है, भारी हिस्सा पॉलिश्ड है, तो मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सा है? अंदर वाला। तो ये भी रिफ्लेक्टिंग और ये भी रिफ्लेक्टिंग है। तुमको बोला गया कि एक लाइट रे ना, एक लाइट रे इस नीचे वाले मिरर पर आकर टकराती है ऐसे ना, कुछ 30 डिग्री का एंगल बनाकर। कितने डिग्री का एंगल बनाकर? 30 डिग्री का एंगल बनाकर इसके साथ ऐसे आके वो टकरा जाती है। तब तुमको बोला गया कि जब ये रे इससे टकराएगी, उसके बाद ऊपर वाले मिरर से भी टकराएगी, और फिर फाइनली कहीं तो निकल लेगी। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन अपने को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को? टोटल एंगल ऑफ डेविएशन अपने को फाइंड करना है। अच्छा सुनो, जरा ध्यान से देखो, अपन लोग थोड़ा सा फाइंड करने का प्रयास करते हैं। देखो तो इस रे को ना ओरिजिनली तो
ऐसा ही चला जाना चाहिए। कैसा? ऐसा का ऐसा, इस रे को ऐसे चला जाना चाहिए, पर इस रिफ्लेक्शन की वजह से ये अपने पाथ से ऐसे भटक जाएगी और ये नया पाथ ये फॉलो कर लेगी, है ना। तो ये वाला एंगल कितना है, बोलो ध्यान से देखो, बोलो ये एंगल भी कितना है यार, 30 डिग्री का एंगल है। कितना एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है, है ना, 30 डिग्री का ही है ना। अच्छा सुनो, ध्यान से देखो, तो कितना घूम गई ये, इतना घूम गई, और कैसे घूमी है ये समय, क्लॉकवाइज घूमी है। कैसे घूमी है इस समय, क्लॉकवाइज घूमी है। डेल्टा वन इसका मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दे देता हूं, डेल्टा वन, है ना। देखो डेल्टा वन इज इक्वल टू कितना आया, देखो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। देखो 180 डिग्री पूरा, उसमें से मैंने 30 और 30 60 डिग्री घटा दिया, तो डेल्टा वन देखो कितना आ गया, ये आ गया 120 डिग्री, और कैसा आया, क्लॉकवाइज आ गया। कैसा आ गया, क्लॉकवाइज हमारा आंसर आ गया। पर क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, अभी देखो रे अभी और घूमेगी, है ना, और घूमेगी। तो देखो यहां पर आके कुछ एंगल तो बना रही होगी ना, देखो उसकी चर्चा मैं पहले करता हूं। देखो सुनो, ये पूरा एंगल देखो, ये वाला और ये वाला, ये तो 90 डिग्री है ना, ऊपर में से 30 घट गया, तो ये नीचे वाला एंगल बचा कितना, 60 डिग्री। कितना बच गया, ये 60 डिग्री का एंगल अपने पास नीचे ऐसे बच गया, है ना, पक्की बात है। अच्छा देखो, ये एक ट्रायंगल बन रही है ना, तो ये 60, ये 60, तो टोटल कितना, 120, तो ये भी कितना यार, ये भी हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया, ये भी ऐसे 60 डिग्री, पक्की बात है ना, सोच लो। ठीक भाई, और मैंने क्या बोला, और मैंने क्या बोला कि भाई साहब इस मिरर पर जाके जब ये टकराई है तो नॉर्मल के साथ तो कोई एंगल बना रही होगी ना। तो देखो पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, मैंने बोला कि चल जो नॉर्मल है ना उस जगह पे कुछ तो ऐसे रही होगी, है ना, कुछ तो ऐसे यहां पर ऐसे मैंने बोल दिया कि नॉर्मल ऐसे रही होगी। अच्छा सोचो, नॉर्मल तो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, मतलब के ये जो एंगल है, ये पूरा ये एंगल, ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। उसमें से ये अंदर वाला 60 घटा दूं तो मेरे को कितना मिल गया यार, ये तो मिल गया 30 डिग्री का एंगल। कितना मिल गया, 30 डिग्री का एंगल। तो जब 30 डिग्री पर आकर टकराई है तो वापस भी कितने पर ही उठेगी, 30 ही डिग्री पर उठ जाएगी। तो माने ये वाला एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। कितना आ गया ये एंगल, 30 डिग्री। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो रे को जाना तो ऐसे चाहिए था, है ना, रे को ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए था, पर ये ऐसे गई तो अपने पास से इतना घूम गई, कितना घूम गई, इतना, और मैंने इसको बोल दिया डेल्टा टू। इसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा टू। ध्यान से देखे तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूमी, है ना, तुम्हारे गांव में घड़ी ऐसी चलती है ना, ये लो, तो ये डेल्टा टू घूम गई, है ना। तो ये देखो डेल्टा टू जो आया वो अगेन कितना आया, 180 डिग्री माइनस, देखो ये वाला 180 डिग्री है ना, ये वाला 180 डिग्री, उसमें से देखो 30 और 30 डिग्री घट गया, तो टोटल कितना बचा, है ना, ये घट गया 60 डिग्री। तो मेरे पास डेल्टा 2 कितना आ गया, 120 डिग्री। कितना आ गया, 120 डिग्री, और ये भी कैसा आया, क्लॉकवाइज आया। कैसा आया, क्लॉकवाइज मेरा ये डेल्टा 2 आ गया, है ना। तो देखो अब निकाल देते हैं डेल्टा नेट कितना है, देखो जरा ध्यान से देखो, तो डेल्टा नेट कितना आएगा रे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और दोनों क्लॉकवाइज हैं इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। अगर एक क्लॉकवाइज होता एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो दोनों माइनस हो जाते, अकॉर्डिंगली हम सेंस देख के उसको कर लेते, ठीक है। तो ये आ गया 120 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 120 डिग्री क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 240 डिग्री क्लॉकवाइज। 240 डिग्री कितना क्लॉकवाइज, ये आ गया मेरा डेल्टा नेट, है ना, कितना आ गया 240 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा ध्यान से देखो, अगर 240 डिग्री क्लॉकवाइज है तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना, है ना, ऐसा ही तो बोल सकते हैं भाई, 240 डिग्री क्लॉकवाइज है इसका मतलब 120 डिग्री कितना है एंटी क्लॉकवाइज है, है ना। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था कभी कभी, कैसे लिखा जा सकता था, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो कभी आंसर में ऐसा भी देख ले तो उसको परेशान नहीं हो, अपना आंसर बिल्कुल ठीक है, 240 डिग्री क्लॉकवाइज और 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आर द वन एंड द सेम थिंग, बोलो पक्की बात है, सोच लो। तुमको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है एंगल और डेविएशन का फंडा, समझ आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ठीक भाई। तो आप क्या करेंगे, पहले इस बेसिक कंसेप्ट को अपनी कॉपी में ढंग से नोट करेंगे, उसके बाद फिर एक एग्जांपल नोट करेंगे, और आखिरी में मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक ऐसी बता दूंगा, उसके बाद तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं यार, है ना। देखो बट कंसेप्ट तो तभी डेवलप होगा ना, मजा तो तभी आएगा ना चीज का, जब अपने को फील अच्छे से आए, है ना। चलो भाई ठीक है, तो उसको ढंग से उतारो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो उतारो, चलो भाई आ जाओ। देखो एक एग्जांपल और देख लिया जाए, देखो सुनो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, इस सवाल को आप अपने आप करेंगे देख लो ढंग से, है ना, एकदम, फिर नहीं तो मजा नहीं आता यार, है ना। देख सुन, मैंने बोला कि ये दो मिरर हैं, ये कैसे हैं, दो मिरर हैं जो कि आपस में 90 डिग्री के एंगल पर ऐसे रखे गए हैं, ठीक है, ये दो मिरर, लो पहले इनको मिरर बना देते हैं, ठीक भाई। अभी अपना क्या बन गया यहां पे, ऐसे ये मिरर बन गया दो, है ना। और क्या बोला गया कि एक लाइट रे ना इस मिरर से ऐसे नॉर्मल से ऐसे 30 डिग्री बनाकर गिरती है, ठीक है, 30 डिग्री बनाकर 30 डिग्री के इंसिडेंट एंगल पर एक रे ऐसे गिर जाती है। तुमको बोला गया कि फाइंड नेट एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोला गया, फाइंड नेट एंगल ऑफ
डेविएशन। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे और ईमानदारी से करेंगे यार, है ना। देखो चलो भाई, करो स्टॉप, करो इसको। आई होप तुमने स्टॉप किया है ना, नहीं तो स्टॉप नहीं करोगे तो बेटा बिल्कुल नहीं मजा आएगा, है ना। फिर जेई की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन करने का कोई फायदा नहीं। चलो आ जाओ, गला मेरा थोड़ा सा आज खराब है, बाकी चलो कोई बात नहीं, करते हैं। देखो सुनो, अगर ये 30 डिग्री का एंगल पर गिरी है आकर नॉर्मल के साथ, तो 30 ही डिग्री के एंगल पर ये वापस से उड़ जाएगी ना। ठीक भाई, तो ये एंगल भी कितना रहा, 30 डिग्री का एंगल ही हो गया। तो अपने ओरिजिनल पाथ से तो भटक चुकी है ना, इसका ओरिजिनल पाथ तो ये होना चाहिए था और भटक के ये तो यहां पहुंच गई, तो कितना भटक गई, इतना भटक गई, है ना। इसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा वन। और ध्यान से देखेंगे तो ये डेल्टा वन कैसा है, क्लॉकवाइज है। कैसा है ये, क्लॉकवाइज है, है ना। तो डेल्टा वन मैंने निकाला तो मैंने पाया कि 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना, और ये आ गया 120 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना आ गया, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये आ गया मेरा क्या, डेल्टा वन। क्या आ गया ये, डेल्टा वन। ठीक भाई, तो इस पर नॉर्मल डाला जाए तो इस पर तो नॉर्मल बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, ऐसा। ध्यान से देखो तो ये 30 डिग्री था, पूरा तो 90 डिग्री था, तो नीचे वाला कितना बचा यार, 60 डिग्री का एंगल बच गया। कितना बच गया, ये 60 डिग्री का एंगल बच गया। अच्छा देखो, ये 90, ये 60, तो ये कितना रहे, ये आ गया 30 डिग्री का एंगल। कितना आ गया, 30 डिग्री का एंगल। अब अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये नॉर्मल के साथ रे कितना एंगल बना रही है, ये बना रही है 60 डिग्री का एंगल। कितना बना रही है, 60 डिग्री का एंगल। तो अगर 60 डिग्री के एंगल पर गिरी है तो 60 डिग्री के ही एंगल पर ये उठ भी जाएगी। किस पर उठ जाएगी, 60 डिग्री के ही एंगल पर ये उठ भी जाएगी। पक्की बात है, तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो इस रे का जो ओरिजिनल पाथ था ना, वो तो ये था, है ना, वो तो क्या था, ये था। पर ये घूम के इस नए वाले पाथ को फॉलो करने लगी इस डेल्टा 2 के वजह से। किसके वजह से, इस डेल्टा 2 के वजह से। तो देखो, अगर मैं डेल्टा 2 निकालना चाहूं ना, तो डेल्टा 2 कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसा ही आया ना। तो डेल्टा 2 क्या मिला मेरे को, ये मिल गया 60 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या मिल गया, 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, देखो एक दोनों क्लॉकवाइज ही रहेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, जैसे कि मैं तुमको पहले बता रहा था। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट अ माइनस साइन, है ना। एक सेंस को अगर आप पॉजिटिव मान लेंगे तो दूसरे सेंस को आपको नेगेटिव मानना ही पड़ेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव मान लेंगे तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सेंस अगर अलग अलग हो जाएगी तो आपको माइनस का साइन वहां पर एक पुट करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो डेल्टा नेट जो मेरा आया वो कितना आ गया, देखो सुनो, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो डेल्टा नेट कितना आ गया रे, डेल्टा नेट आ गया 180 डिग्री। कैसा, क्लॉकवाइज। कैसा आ गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। या फिर इसको ये भी कहा जा सकता था, क्या बोलो, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, या फिर क्या कहा जा सकता है, या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी कहा जा सकता है। एक ही बात है ना, 120 तो एक ही बात होती है ना। देखो सुनो, आ जाओ ध्यान से देखोगे तो आपको दिख भी रहा है कि ऐसे आई और ऐसे निकल ली, तो 180 डिग्री का ही फेस शिफ्ट आया उसके अंदर, है ना। 180 डिग्री का ही क्या है, उसके अंदर एंगल ऑफ डेविएशन आया है। ठीक है, चलो भाई इसको उतारो, फिर मैं इस चर्चा को जर्नलाइज कर देता हूं। जर्नलाइज करके एक ऐसा रिजल्ट पे मैं आपको पहुंचाऊंगा, उसके बाद ना फिर आपको ये सब करने की दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस सवाल देखेंगे और सवाल देखते यू डोंट हैव टू इवन पुट द पेन इन टू योर हैंड, ठीक है, उसके बिना ही आप ये सवाल ही कर लेंगे। ठीक है, बिना आप एक भी शब्द कॉपी पर लिखे हुए सवाल को कर पाएंगे। देखो भाई चलो उतारो इसको, फिर चर्चा को जर्नलाइज कर देते हैं। चलो आ जाओ, देखो मैं इस सारी की सारी चर्चा को ना, एंगल ऑफ डेविएशन की जो भी मैंने चर्चा करी, मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं। जनरलाइज करने का मतलब कि उसके बाद जो भी आंसर आएगा ना, वो किसी भी एंगल ऑफ डेविएशन के लिए वो वैलिड होगा वो चीज। ठीक है, अच्छा सुन, जिससे अपना का काम बच जाए, अपने को एक फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके हम सारे के सारे सवालों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलो भाई मैं जनरलाइज करता हूं चर्चा को, और मैं बोलता हूं कि मान लो कोई भी दो मिरर ना ऐसे रखे हुए हैं, और कितने एंगल पर रखे हुए हैं मुझे पता नहीं है, थीटा बस मेरे को दे दिया गया कि भाई चलो थीटा डिग्री के एंगल पर दोनों मिरर जो है ना वो रखे गए हैं। ठीक है, ऐसा है तो थीटा अपने को दिया रहेगा कि थीटा एंगल पर दोनों जो है ना मिरर वो आपस में रखे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद एक रे ऐसे आई, कुछ एंगल आई बनाकर, ठीक है, इसके ऊपर पड़ती है। ठीक है, अच्छा सुनो, अगर आई बनाकर पड़ती है तो आई बनाकर ही वापस भी निकल लेगी, आई बनाकर ही वापस भी निकल लेगी। तो क्या होगा इस क्रम में, देखो ये कुछ मुड़ गई ना अपने ओरिजिनल पाथ से, भटक गई ना, कितना भटक गई। मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने इसको डेल्टा वन बोल दिया। मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा वन बोल दिया। और अब तो आप लोग पूरे ट्रेंड हो चुके हैं, आप लोग जानते हैं कि डेल्टा वन क्या आने वाला है, डेल्टा वन आने वाला है पाई माइनस टू आई। क्या आने वाला है, पाई माइनस टू आई। पक्की बात है ना,
सोच लो। अच्छा भाई सुनो, ध्यान से देखो, तो यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं तो मुझे कुछ ऐसे यहां पर ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देने चाहिए, है ना। और ये एंगल तो मुझे नहीं पता, मैंने बोला चलिए इस एंगल को मैं एक्स मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। तो अगर एक्स पर आकर गिरी है तो एक्स पर ही ये वापस भी उठ जाएगी, है ना। तो ये एंगल भी कितना रहेगा? एक्स ही कहलाएगा। कितना कहलाएगा? एक्स ही कहलाएगा, है ना। अच्छा सुनो, ये वाली रे का जो ओरिजिनल पाथ था ना, ये वाली रे का जो ओरिजिनल पाथ था वो तो कुछ ऐसा था, और अपने पास से भटक कर ये यहां पर आ गई, है ना। तो इसको मैंने बोल दिया डेल्टा टू। कितना बोल दिया? डेल्टा टू। अच्छा सुनो, ये डेल्टा वन भी कैसा था? क्लॉकवाइज। डेल्टा टू भी कैसा है? क्लॉकवाइज। तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, है ना। देखो डेल्टा टू कैसा है, देखो ये आया पाई माइनस टू एक्स। आई होप ये आपको समझ आया मैंने कैसे लिखा है ना। पूरा एंगल तो पाई है ना, उसमें से ये तो 2x हो गया, तो डेल्टा 2 कितना मिला? पाई माइनस 2x। और ये भी कैसा मिला? क्लॉकवाइज मेरे को मिल गया। कैसा मिल गया? क्लॉकवाइज मेरे को मिल गया। तो जो डेल्टा नेट जो आने वाला है ना, सुनो ध्यान से सुनो, तो डेल्टा नेट जो आएगा वो आएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 तो कितना है? ये है पाई माइनस 2i, और फिर डेल्टा 2 कितना है? प्लस पाई माइनस 2x। तो ये क्या बन गया? ये मेरे पास ऐसा बन गया। कैसा बन गया? 2 पाई माइनस 2i और माइनस 2x, ऐसा बन गया ना। दिख रहा है तुमको? पक्की बात है। अच्छा सुनो, पर ये डेल्टा नेट मैंने निकाल तो लिया, पर डेल्टा नेट में मेरे को ये x तो नहीं पता है ना, और कोई अननोन के टर्म में थोड़ी कभी आंसर दिया जाता है। तो सबसे पहले इस अननोन को हम फाइंड करेंगे और इसको यहां से इक्वेशन में से एलिमिनेट कर देंगे, तो आई विल बी हैविंग द फाइनल आंसर, है ना। ऐसा ही है ना। अच्छा सुनो, ध्यान सुनो, तो ये पूरा एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला जो पूरा एंगल है कितना है? 90 डिग्री है। उसमें से अगर मैं आई घटा दूं तो ये अंदरूनी एंगल जो बचा है, अंदर का एंगल, ये कितना बचा? ये बचा 90 डिग्री माइनस आई। कितना बचा? 90 डिग्री माइनस आई। अच्छा सुनो, इस वाली ट्रायंगल में, पूरी ट्रायंगल में देखना ध्यान से सुनना, ये 90 माइनस आई हो गया, ये थीटा हो गया। अच्छा ये वाला भी जो पूरा एंगल था, ये कितना था? पूरा का पूरा 90 डिग्री का एंगल था। उसमें से x अगर घट गया तो ये बचा 90 डिग्री माइनस x। कितना बचा? 90 डिग्री माइनस x। किस ट्रायंगल की बात हो रही है? देखो मैं इसको नामकरण संस्कार करके आपको बता देता हूं। ये ट्रायंगल है ए बी और ये सी, है ना। ए बी सी ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री माइनस x, ये थीटा और ये 90 डिग्री माइनस आई, और इन सबका सम कितने के बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। चलो भाई मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, कि मैंने क्या लिखा? थीटा डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स, और क्या लिखा? प्लस 90 डिग्री माइनस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखो, तो ये 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन्होंने तो एक दूसरे को मार दिया। ये आ गया थीटा माइनस एक्स, और क्या मिला? थीटा माइनस एक्स और माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। क्या मिल गया? थीटा माइनस एक्स और माइनस आई इज इक्वल टू जीरो। तो थीटा इज इक्वल टू मेरे को क्या मिला? थीटा इज इक्वल टू मेरे को क्या मिला? ये मिल गया। नहीं, थीटा थोड़ी निकालना है मेरे को, यहां से मेरे को क्या निकालना है? एक्स निकालना है ना। तो एक्स क्या मिल गया? देखो यहां से मेरे को मिल गया थीटा माइनस आई। क्या मिल गया? थीटा माइनस आई, है ना। ठीक भाई, एक्स मेरे को पता चल गया, तो मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा और मेरा आंसर तो सॉल्व हो जाएगा। देखो ये कितना आया, डेल्टा नेट इज इक्वल टू, देखो क्या आया, ये आया 2π माइनस 2i और माइनस 2x, है ना। देखो x की जगह पे क्या पुट किया? थीटा माइनस i, है ना। तो ये आ गया मेरा 2π माइनस 2i और माइनस 2 थीटा और प्लस 2i, है ना। देखो माइनस 2i ने प्लस 2i को मार दिया, तो देखो डेल्टा नेट कितना आया रे। डेल्टा नेट मेरे पास आ गया 2π माइनस 2 थीटा। कितना आ गया? 2π माइनस 2 थीटा। और कैसा है ये? क्लॉकवाइज है। कैसा है ये? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज अगर 2π माइनस 2 थीटा है, तो देखो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। कैसा हो जाएगा? 2 थीटा। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि 2π माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज और 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, बात तो एक ही है, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया? 2π माइनस 2 थीटा या तो क्लॉकवाइज और 2 थीटा या तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा आंसर आया ना। पर सुनो, इस आंसर में खासियत क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है वो सुनो। जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस।
दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. देखो कहीं भी आई आ रहा है क्या आंसर में? कोई भी आई नहीं. इसका मतलब कितने भी एंगल पर आके ये रे गिर जाए अपने को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना. तो जैसे ही मैंने वो सवाल तुमको दिया था ना 60 डिग्री का, जब मिरर ऐसे रखे गए थे, उसी पल मैं जानता था कि मेरा जो आंसर है ना वो 120 डिग्री आने वाला है. कितना आने वाला है? 120 डिग्री आने वाला है. पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसके लिए अभी भी हम क्लियर नहीं थे ना, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा. और जैसे मैंने आपको 90 डिग्री वाला मिरर दिया था ना, मैं जानता था कि उसका आंसर 180 डिग्री आने वाला है. पर क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज वो अब मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है. अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो. तो क्या बोला जाएगा, कैसे हम बताएंगे कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? देखो जिस भी मिरर पर रे गिरे ना, जिस भी मिरर पर रे गिरे उस मिरर पर अपना हाथ ऐसे रखना. जिस भी मिरर पर रे गिरे उस मिरर पर अपना हाथ ऐसे रख दीजिएगा. और दूसरा मिरर बनाने के लिए जिस भी तरफ आपको हाथ घुमाना पड़ जाए, दूसरा मिरर बनाने के लिए जिस भी तरफ आपको हाथ घुमाना पड़ जाए, बस उसी सेंस में आप लाइट का सेंस लिख दीजिएगा. ध्यान से देखो, तो यहां पर मेरे को किस सेंस में हाथ घुमाना पड़ता है? एंटी क्लॉकवाइज. किस तरफ? एंटी क्लॉकवाइज. मतलब 2θ कैसा? एंटी क्लॉकवाइज. 2θ कैसा? एंटी क्लॉकवाइज. देखो सुनो, और एग्जांपल सुन लो रे, और सुनो ध्यान से, सुनो प्रेम पूर्वक, सुनो अच्छे से, सुनो. आओ देखो, तो मैं तुमको बोलूं कि मान लो ये दो मिरर हैं, है ना, ये दो मिरर हैं, ठीक है. और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है. कैसा है वो? 30 डिग्री है, है ना. और यहां से रे ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे आई, ये आई 30 डिग्री का ही एंगल बनाकर. कितने का एंगल बनाकर आई? 30 डिग्री का एंगल. तो मैंने बोला कि बताओ डेल्टा नेट क्या आया, तो डेल्टा नेट देखते ही तुम बोलोगे कि 2θ. कितना आया? 2θ. पर क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज देखो मैंने कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ना, तो ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री. कैसा आ गया? एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री. या फिर मैं बोल सकता हूं 120 डिग्री क्लॉकवाइज. आंसर कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है, तो ऑप्शन में आंसर ऐसे देख के घबराना मत कि मेरा तो 60 आ रहा है, देख लेना करके कि अगर 60 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका मतलब क्या है? 120 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है. और सवाल तुमको पूछा जा सकता है ना. देखो सुनो, अगर मैं वापस से यही मिरर ले लूं, मैं बोलूं कि चलो 30 डिग्री का ही मिरर है, है ना, मैं बोलूं कि चलो 30 डिग्री का ही मिरर है ना, और अब रे इस पर गिरी है नॉर्मल के साथ यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाकर, तो तुम क्या बोलोगे डेल्टा नेट क्या आने वाला है? डेल्टा नेट तो देखते ही बोल देंगे क्या? 2θ. मतलब कितना आया? 60 डिग्री आ गया. कितना आ गया? 60 डिग्री. पर क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज देखो, हाथ रखा घुमाया तो क्या मिला? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. तो मतलब रे कैसा घूमने वाली है? क्लॉकवाइज ही घूमने वाली है. कैसे घूमने वाली है? क्लॉकवाइज ही घूमने वाली है. कैसा भी मैं तो बोलता हूं मिरर ले लो, कभी भी हमेशा ये काम करेगा. चलो ठीक है, तो हम लोग वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं उसके बाद, है ना. मेरे को लग रहा है आपको ये चर्चा ढंग से समझ आई होगी, है ना. फाइनली करना क्या है कि जब भी दो मिरर में हमको बोले एंगल ऑफ डेविएशन, तो जो दो मिरर के बीच का एंगल है उसका दुगुना ही क्या होने वाला है? एंगल ऑफ डेविएशन होने वाला है. उसका दुगुना ही क्या होने वाला है? एंगल ऑफ डेविएशन होने वाला है. और सेंस के लिए क्या करेंगे? जिस भी मिरर पर लाइट पड़ेगी उसको, जिस भी मिरर पर लाइट पड़ेगी उसमें अपना हाथ रख के, और दूसरा मिरर बनाने के लिए जिस तरफ हाथ घुमाना पड़ जाए, बस वही सेंस ऑफ रोटेशन है. यहां पर जैसे कि क्या करना पड़ रहा था? एंटी क्लॉकवाइज. वहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर क्लॉकवाइज, है ना. तो बस वही क्या हो जाएगी? अपनी सेंस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, है ना. आई होप तुमको एंगल ऑफ डेविएशन का फंडा क्लियर है. अगर फिर भी कोई डाउट आप लोगों के रहते हैं, तो आप लोग हमारे को नीचे ऐसे कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट कर अपने डाउट पूछ सकते हैं, और हमारी टीम फनवेल फिजिक्स बहुत जल्दी से आपके डाउट्स को ले लेगी, ठीक है. चलो भाई, तो अच्छे से इसको नोट करो कॉपी में, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. ओके, बाय बाय, ठड़ा.